देख रहे हैं। चलिए वहां खबर जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज देश के अलग अलग कोनों से बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर हाथरस की है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि हाथरस कांड की आड़ में पीएफए यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दंगा कराने की साजिश रच रही थी और जांच एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। दूसरी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, सुशांत मामले से जुड़ी हुई ये खबर। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता को का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि हत्या या आत्महत्या का निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फोरेंसिक जांच की जरूरत बताई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आगाज के साथ ही ये बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। 2020 के चुनाव में ये पहली बार देखने को मिला है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल के जरिए ही न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की गई है बल्कि बिहार की बर्बादी के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। और बाकी की बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों ने युद्ध खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील को खारिज कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस लौट आए और उन पर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लापरवाही का आरोप लगा है। अगले एक घंटे लगातार हमारी इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हिंसा की सूचना होने के कारण पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में किया गया। बिल्कुल, सरकार ने कहा है कि खुफिया जानकारी थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी केस पर आए फैसले का हवाला भी दिया है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। यूपी सरकार ने भी कहा कि फैसले से पहले परिवार की इजाजत ले ली गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार चाहती है कि हाथरस केस की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर किसी भी मामले में कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद ही सरकार जवाब दाखिल करती है, लेकिन हाथरस मामले में यूपी सरकार ने मुश्तैदी दिखाते हुए सुनवाई से पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा है। पहला सवाल, पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है। दूसरा सवाल, क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है। और तीसरा सवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला किस स्टेज पर है। हाथरस की घटना के बाद रातों रात बनाए गए वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंसक प्रदर्शन के लिए एक संदिग्ध संगठन से वेबसाइट को फंडिंग मिली थी। विदेशों से फंडिंग मिलने के बाद ही सामने आई है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, कुछ संदिग्ध लोगों के दिल्ली से हाथरस आने की जानकारी मिली थी। इस इनपुट पर इंटेलिजेंस एजेंसियों और हाथरस से लगे सभी इलाकों को अलर्ट कर दिया गया था। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंगरेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से उसमें कार्रवाई की गई थी। यूपी पुलिस ने रविवार को जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा करते हुए वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि वेबसाइट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी बयान दिखाए गए ताकि माहौल बिगड़ जाए। जब से पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है, आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? आप क्यों नहीं चलते फिर से हाथरस और जवाब दें आपके लोग कि ये क्या चल रहा था, कि आप षड्यंत्र चल रहा था आप लोगों का। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो अपनी तरफ से जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे और खुद जांच की निगरानी करे।
कि जब मुख्यमंत्री एक सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि ये अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ, मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक मुख्यमंत्री के दिल में भी थोड़ी सी भी ये बात नहीं आई कि कल्पना की जा सकती है, कैसे मुख्यमंत्री है? इंसानियत की ध्वजा आपने, कानून की ध्वजा उड़ाए, आपने नियम की ध्वजा उड़ाए, आपने गलत ऑफिसर का साथ दिया, लेकिन आप ये बताइए इंसानियत की भी ध्वजे आप उड़ा रहे हैं। सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। उन्होंने हलफनामे में लिखी गई कुछ बातों को जजों के सामने रखा, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं पर बहस को सही मानते हुए यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। मामला अब अगले हफ्ते सुना जाएगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इंडिया न्यूज हर पक्ष की सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। अभी भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन सरकार का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, ये भी हमने आपको बताया। हम सीधा हाथरस का रुख कर लेते हैं, जहां पर ऐश्वर्य जैन हमारे संवाददाता पहले ही दिन से डटे हुए हैं और हर सच आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्य, अब जो कहा जा रहा है सरकार की ओर से वो ये कि दंगा भड़क सकता था, पूरी साजिश थी और इसी वजह से आधी रात को ही शव को जला दिया गया। सवाल ये है कि इन सब परिस्थितियों में क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि पीड़ित परिवार के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाए? और अगर ये आज कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार की अनुमति, उनकी इजाजत ले ली गई थी, तो उस वक्त पुलिस के अधिकारी क्यों इस तरह का बयान दे रहे थे कि देखिए जो फैमिली है, माँ पिता है, उनकी परमिशन हमने ना ली हो, लेकिन जो सेकेंडरी रिलेटिव्स हैं उनकी परमिशन के आधार पर हमने ये फैसला किया? आखिर ये विरोधाभास क्यों है बयानों में ऐश्वर्य? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हमारी भी पीड़ित परिवार से बात हुई और उनके परिजनों से बात हुई, उनका साफ तौर पर बार बार यही कहना था कि आधी रात में क्यों बेटी का शव जला दिया गया, क्यों इतनी जल्दबाजी की गई, हमसे उन्होंने किसी भी बारे में कोई भी परमिशन नहीं ली थी इस संतुष्टि के लिए। और इसी वजह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि बाकी के परिवारजनों से या फिर जो दूर के परिवारजन हैं जो उसी गांव में रहते थे, उनसे बात करते हुए पुलिस वालों ने ये फैसला लिया कि रात के 2 बजे इतनी जल्दबाजी में शव को जलाया गया। दूसरी तरफ लगातार आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि क्योंकि ये खतरा हो सकता था, बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था, उसको देखते हुए रात को ये डिसीजन लिया गया, ये बात एक है। लेकिन जब आज हमारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट में यहाँ पे बात हुई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं आशंका ये भी थी कि दंगे हो सकते हैं, क्योंकि दंगों की प्लानिंग लगातार चल रही थी और हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की कहीं ना कहीं सूचना थी। और बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल ऐश्वर्य, आपने ठीक कहा, क्योंकि पीएफआई और सीएफआई का जिक्र किया जा रहा है। और बड़ी अजीब सी बात है कि बाबरी विध्वंस से लेकर, चाहे बात अन्ना आंदोलन की रही हो, निर्भया आंदोलन की रही हो, मुजफ्फरपुर दंगों की रही हो या शाहीन बाग की रही हो, बार बार ये कहा जाता रहा है कि दंगा फैलाने में कई लोग शामिल थे और इन लोगों ने दंगों को भड़काया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से ये बात सामने आई है कि ये 2 संगठन हैं और इन 2 संगठनों के जरिए लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है, तब से कहां गए सारे लोग? क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, आज देखिए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो पीएफआई के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे, जो मथुरा पे हाईवे पे उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी मिले। इस तरीके की बातें सामने आई कि कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने के लिए ही आगे हाथरस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बार बार डिमांड की जाती है और पहले भी की गई है कि पीएफआई जैसे संस्थानों को, सीएफआई जैसे संस्थानों को कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए, बार बार इस तरीके की आवाज उठाने के बाद बैन क्यों नहीं किया जाता है, ये लगातार एक सवाल है। पीएफआई की तरफ से लगातार ये कहना है कि ये सब मामले को डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरीके के रोल में तमाम तरह की बातें इसमें कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि जब जांच होगी तो बात किस तरीके से आगे निकल कर आएगी। शुक्रिया हम करेंगे ऐश्वर्य का, जो हमारे संवाददाता हमें